यस ट्वेल्थ किया था। या 11 12th में हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टैट्स किया था, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड करते थे, है ना। तो मीन में भी बहुत तरह का हाँ उसका टाइप्स होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, बहुत तरह का टाइप होता है। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे हाँ अर्थमेटिक मीन के बारे में, कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट कि मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीजें जो है वो क्या है, और इन जनरल अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर यस देखते हैं। MCO 22 का ये टॉपिक है और बेसिक क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आता है, तो वो स्टार्ट करते हैं। नाउ अरिथमेटिक मीन क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑल्सो नोन एज एवरेज, अरिथमेटिक मीन को हम लोग एज एवरेज बोल सकते हैं, इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। जो भी आपके पास सेट ऑफ नंबर्स होंगे, मान लीजिए आपको कह दिया गया कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी सारे नंबर्स हैं, जितने भी सारे इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज आपको निकालना है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे इवन नंबर 2 4 6 8 10 सबको एक साथ लिखेंगे, लिख करके ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, है ना। ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये काफी लेंदी होता है। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, हालांकि वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में आएगा, बट एवरेज करने का मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं उसको हाफ कर देना है। जैसे कि 1 2 और 3, तीनों का एवरेज निकालना है, तो तीनों को तो सबसे पहले ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू करेंगे 6 / 3। यस 3 नंबर है राइट इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, विच विल बी बिकम 2। 3 2 = 6, तो 2 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, यस है ना। तो जो उसका सेंट्रल टेंडेंसी है, जो एवरेज है, वो आपको निकालना है। इट इज कैलकुलेटेड बाई समिंग अप ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जो मैंने बताया वही चीज करनी है, जो भी नंबर्स यस रहेंगे सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितने टाइम देन नंबर वो आएंगे, जैसे कोई यस 9 नंबर है ना, टोटल नाइन नाइन नंबर्स है, टेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स है, दोनों का सबका एडिशन कर देना है। एडिशन करने के बाद जो आएगा राइट डिवाइडेड बाई 9। सिंपल, द राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन इज, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यस अरिथमेटिक मीन, अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे यस करना है। द अर्थमेटिक मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरी वैल्यू इन द डेटा सेट। जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, उन हर एक नंबर से जो है आपका अर्थमेटिक मीन में चेंजेस आएंगे, है ना। सपोज 10 है, 10 में अगर हम 1 11 भी जोड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाई वो नंबर भी बढ़ेगा, तो जो जो इन्फ्लुएंस होगा वो डिफरेंट होगा, वो उसके वजह से जो है उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। ईच वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एवरेज। जो भी वैल्यू होती है, हर एक वैल्यू का जो है ओवरऑल और एवरेज में अपना एक स्थान होता है ना। तो वो बात है। दूसरा है, द अर्थमेटिक मीन इज नॉट रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। ये एक्सट्रीम वैल्यूज तक रुका हुआ नहीं है, उससे भी ज्यादा, मतलब इन्फिनिटी तक भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर्मूला है हालांकि, लेकिन वहां उसको भी काउंट किया जा सकता है। इफ देयर आर आउटलाइनर्स इन द डेट आउटलायर्स इन द डेटा सेट, दे कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द मीन एंड डिस्टॉर्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो वैल्यू अगर आउटलायर्स होगा, मतलब एक तरह से दो तरह की होती है, एक तरह से एक ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज होता है। जो डेटा होता है वो सेट जब होता है तो एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। जब हम लोग ओपन वाला करेंगे तो वहां पे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होगा, क्लोज वाला तो काफी आसान है, जो भी नंबर रहेगा सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है। दो तरह का होता है, तो जब भी उसको हम क्लोज कर देंगे, जो यहाँ पे बात बोली जा रही है, इफ देयर आर आउटलायर्स इन द डेटा सेट, दे कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द मीन, जो उसका मीन है उसके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जब क्लोज हो जाएगा, ओपन रहेगा तब तो वो जहां तक भी जा सकता है ना। तो जो नॉर्मल है, जो जो नेचुरल वैल्यू है वो आपका आएगा, लेकिन अगर डेटा क्लोज है, एक सेट दिया हुआ है, तो जो कैलकुलेशन करके आएगा बस उतना ही रहने वाला है। इम्पैक्ट का मतलब यही है कि बस उतना ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस जो है नहीं होगा। ठीक है, एंड डिस्टॉर्ट इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ईच वैल्यू। अब डेविएशंस का मतलब क्या है? डेविएशंस का मतलब होता है कि कितना चेंजेस आ रहा है। अगर आप एक नंबर बढ़ा दे रहे हैं, तो उस नंबर को बढ़ाने के बाद जब आप डिवाइड कर रहे हैं, हालांकि नीचे भी नंबर्स बढ़ाने हैं, तो कितना डेविएट कर रहा है, कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। अगर सपोज जब एक नंबर आपने बढ़ाया, तो जो जो डिफरेंस है वो 0.5 या 0.27 से बढ़ गया, तो ये जो 0.27 से बढ़ा, एक्स्ट्रा जो बढ़ा, वही उसी को हम लोग डेविएशन बोलेंगे। ठीक है,
सो द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ओके ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ही समझ में आएगा। इसको याद कर लीजिए, ठीक है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। इन अदर वर्ड्स, द पॉजिटिव डेविएशंस कैंसल आउट द नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस कैंसल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे नेगेटिव डेविएशंस को, रिजल्टिंग इन अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन। हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा है, मतलब मैं जो बता रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, ये चीजें डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे डेविएशंस का मतलब शायद कुछ और है, जहाँ पे ये लोग पॉजिटिव वैल्यूज को नेगेटिव वैल्यूज वैल्यूज के साथ कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, और कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनली आपका जीरो ही आएगा। एक मैथ्स में अभी अभी कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। आपने वो स्केल देखा है ना क्वेश्चन, जहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 आगे की तरफ जाएगा और एक बैकवर्ड जाता है, -1, -2, -3, -4 ऐसे यस करके। हाँ, यस हिंदी तो जो अंगूठे आरोही क्रम अवरोही क्रम। जो पॉजिटिव डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने के बाद जो आपका मीन आएगा, जो बीच वाला वैल्यू आएगा, वो आपका जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे उस डेविएशन की शायद बात की जा रही है। नाउ रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, अब तीनों में क्या अंतर है, ये काफी आसान है इसको समझना। मीन का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया, कि एवरेज निकालना है ना, सिंपल सा बात है कि उसका एवरेज निकाल देंगे, नीचे बना करके दिखाया भी है। अच्छा, इसको पहले थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। द मीन, मोड एंड मीडियन आर ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, तीनों का तीनों जो है इस्तेमाल होता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, लेकिन तीनों का जो एस्पेक्ट्स है, जो निकालने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप, लेट्स कंसिडर। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, डायग्राम बनाना विच वॉज नॉट ईजी, सो डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है, बट कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसके जरिए आप आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे करना है। यहाँ एक डेटा सेट है, 4852364 89। ये जस्ट एक डेटा सेट है, इसको छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में सजाया हुआ नहीं है, बस है। अब इसका अगर मीन निकाला जाए, तो मीन का तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अर्थमेटिक मीन में, कि सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय जितना नंबर है, जैसे 4, 8, 5, सबको ऐड करना है, और करने के बाद नंबर डिवाइडेड बाय 9, टोटल 9 नंबर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे देखिए, मीन वाले में उसी तरीके से ऐड करके 9 से डिवाइड कर दिया है ना, 49/9 इज इक्वल टू 5.44। 5.4 हाँ, अब अगर मोड की बात करें, तो मोड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जो कि बार बार आपके डेटा सेट में रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मोड। द मोड रिप्रेजेंट द मोड वैल्यूज दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट। इन आवर एग्जाम्पल, द मोड इज 4 बिकॉज इट ऑकर्स ट्वाइस, विच इज मोर देन एनी अदर नंबर, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं है, 4 के साथ 8 भी है, 8 भी यहाँ पे ट्वाइस आ हो रहा है, और 4 भी हो रहा है। ठीक है, 4 और 8 दोनों ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 चूंकि पहले है डेटा सेट में, आपका पहले सबसे पहले 4 है, इसलिए शायद 4 को कंसिडर किया गया है। बट अगर मॉड की बात करें, तो जो चीज बार बार आएगा, जैसे कि 4 अगर 3 बार होता, और 8 दो बार होता, या 9 अगर 5 बार होता, तो फिर 9 जो है उसका मोड हो जाता। जो जितनी जो ज्यादा बार यू नो फ्रीक्वेंटली आएगा बार बार नंबर्स में, वही हमारा मोड मोड होगा। हो जाएगा। मीडियन की बात करेंगे, मीडियन में सजाने वाला होता है। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड डेटा सेट। देखो यहाँ पे क्या बोला, सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब एक तरीके से सजाया हुआ, जैसे वहां पे ऊपर में जो 4, 8, 5, 2, 3 है, ये सॉर्टेड नहीं है, सजाया हुआ नहीं है, इधर उधर है। मीडियन में एग्जांपल आप क्या टू थ्री करोगे कि आप डेटा को पहले सॉर्ट आउट करोगे, पूरा सीधा उसको टू थ्री सजाओगे। फोर एट हाँ, टू फाइंड द मीडियन वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सजा लिए, सजाने के बाद सिंस देयर आर 9 वैल्यूज, क्योंकि वहां पे 9 वैल्यूज हैं, द मीडियन इज द 5th वैल्यू। ठीक है, टोटल 9 वैल्यूज हैं, तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो जो मीडियन हो गया, जो बीच वाला वैल्यू है, वो 5 है। जो बीच में जो संख्या बचा वो 5 है, ये देखिए, ये 5, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो मीडियन क्या हो गया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर 5। में सजाएंगे है ना सर, क्या, असेंडिंग ऑर्डर में ना। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना बहुत जरूरी है, वही बात बोली गई है कि आपको जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और सजाने के बाद फिर जो है आपको फाइंड आउट करना है कि अगर 9 होगा, 9 रहने पे मैंने क्या, अगर 9 वैल्यूज हैं, तो उसमें से जो बीच वाला है वो तो आप निकालना आसान है, 4 इधर से निकाल लिए 4 उधर से निकाल लिए, जो बीच वाला बचा वो मेरा मीडियन है। लेकिन मान लीजिए 9 के जगह पे 8 वैल्यूज होता, तो क्या करते, तो हम लोग करते कि मान लीजिए ये 9 नहीं है, सपोज ये 9 नहीं है, ये है ही नहीं, तो जो बीच का वैल्यू है 4 और 5 दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, ओके चार वो एक तरीका है। पांच को ठीक है, अगर
इवन नंबर में रहेगा तो दोनों का एवरेज निकालना होगा, अगर ऑड नंबर्स में रहेगा मतलब जैसे 9 है, 9 टाइम्स अगर नंबर्स रहेंगे तो आसान है, लेकिन अगर इवन नंबर्स में रहेंगे मतलब 8 रहेगा या 6 रहेगा, तो जो बीच का दो वैल्यू होगा उसका एवरेज निकालना होगा। जो समझ ठीक गया है, समझ गया, जो बीच ओके का भाई, वैल्यू वो काउंट करके और उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो उसका आंसर रहेगा वही उसका मीडियन वैल्यू, मीडियन वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर ना किशन एक क्लास, मेरे को एक नहीं एक्चुअली काफी सारा क्लासेस लगेगा, प्रॉपर जो है मैं क्लास ओके कराऊंगा, मैं बोर्ड लेने ही वाला हूँ, बोर्ड लेकर के फिर उसके ऊपर ओके कराना होगा, ऐसे तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है करा पाना, तो हाँ वहां पे हम लोग जो है मीन मीडियन मोड अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अगला टॉपिक इज अबाउट डिसीजन थ्योरी, ये आई गेस हो गया था ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन थ्योरी, बिल्कुल यस, ये आई गेस डिसीजन हो गया था। थ्योरी। हाँ, ये होने के बाद ये है कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पर रिलेशंस वगैरह के बारे में है, स्कैटर डायग्राम, ये एक छोटा टॉपिक है, इसको आई गेस किया जा सकता है, लेकिन नहीं इसको अभी रहने देते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है किशन, तो एक काम करते हैं हम लोग, मेरा एक क्लास अभी बीकॉम का है, मैं थोड़ा उसको पहले करा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं, नहीं तो फिर 9:30 बजे से भी एक और क्लास कर लेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। 9:30 बजे से कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ठीक है फिर, एक्चुअली ये लेक्चर काफी छोटा हो गया इसलिए मैं सोच रहा था कि बीच में एक और करा लेता, बट इट्स ओके, 9:30 बजे से करते हैं फिर, मैं अपना बीकॉम का क्लास करा लेता हूँ हाँ फिलहाल से। देखो, हम क्लास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। सर मेरे को इसका अकाउंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर का वो सॉल्व असाइनमेंट चाहिए था, वो आपको भेजा था ना मैंने, शायद नहीं वो नहीं था ओके, फर्स्ट सेमेस्टर सर। वाला आपके पास नहीं, आपको तो फर्स्ट और सेकंड दोनों देना है ना दिसंबर में, या हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर दोनों देना है, लेकिन मेरे को असाइनमेंट उसका नहीं है, बाकी सबका था, मैं चेक किया लेकिन मेरे को मिलता नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है, अरे बाप रे, तब तो ठीक है, मैं आज ही भेज देता हूँ, डोंट वरी, मुझे लगा आपका होने वाला नहीं होगा तकरीबन इसका, कंप्लीट। हाँ 30 सितंबर को जमा करने का है। हाँ, हालांकि वो डेट एक्सटेंड होगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन 30 सितंबर से अगर पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, तो आपका मतलब सेकेंड सेमेस्टर पूरा हो गया, MCO 6, 22, 23, 24, ये चारों हो गया है। नहीं कुछ कम उसमें बाकी है, फर्स्ट सेमेस्टर का सब कंप्लीट है, इसमें कुछ बाकी है, बस हो हाँ जाएगा। मैं तो मतलब समझा, आपका फर्स्ट ये सेमेस्टर, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने सब असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया सर, खाली अच्छा ओनली अकाउंट का बाकी है मेरा, अकाउंट्स का उसमें, और इसमें से लगभग 2-3 हो गया है। अच्छा अकाउंट्स का मतलब MCO 5, क्या अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन और यस टॉपिक था यस वो? यस, हाँ, बराबर। नहीं अच्छा, तो उसका PDF आपके पास नहीं है? अच्छा नहीं वो मेरे पास नहीं है सर, मेरे को मिला ही नहीं। अच्छा 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 आप चेक ठीक है कर लेना ठीक क्या है, मैं होगा, तो हो सकता है आपने उनको दिया रहेगा अकंचा को, मेरे को शायद नहीं मिल पाया। ठीक है, मैं उसको सेंड कर दूंगा, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ MCO 5 जो है आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन वही बाकी है। ठीक हाँ वो बाकी है सर, और इधर से है ऑलमोस्ट 2 बाकी है। ठीक है ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पे सबमिट करना जो जरूरी है, यस सो यस ठीक है, मैं MCO 5 आपको सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, ओके थैंक यू, ठीक है फिर, हाँ 9:30 में मिलते हैं, 9:30, ओके सर। ओके ओके।